बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपसेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम। आई एम मोहम्मद असनान शमी फ्रॉम गैरिजन अकेडमी सीनियर कैंपस गुजरांवाला कैंट। टुडे वी आर डिस्कसिंग द लास्ट टू फेजेस ऑफ एसटीएलसी, डेट इज डिप्लॉयमेंट फेज एंड मेंटेनेंस फेज। इन द लास्ट वीडियोज वी डिस्कस डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, मीन्स डैट के सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, देन वी डिस्कस द प्लानिंग के हम जो प्रॉब्लम हमने डिफाइन की है उसकी प्लानिंग किस तरह करते हैं, देन वी डिस्कस फिजिबिलिटी स्टडी की उसकी फिजिबिलिटी क्या है, फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं, फिर हम उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करते हैं, देन हम उसको डिज़ाइन करते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं और फिर हम उसको कोड करते हैं। कोड करने के बाद हमने जो भी अपना सॉफ्टवेयर का कोड किया है, कोड करने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, वेरीफाइड करते हैं कि क्या वो जो हमने अभी तक बनाया है, वो कोड जो लिखा है वो सही है या नहीं है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंट फेज़, कि आपने कोड बना लिया, उसको टेस्ट कर लिया, अब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका प्रोसीजर हम किस तरह जो है वो उसको हम करेंगे, डिप्लॉयमेंट उसको किस तरह करेंगे। फिर हम आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस को, मेंटेनेंस के अगर आपको मेंटेनेंस करनी है तो मेंटेनेंस हम किस तरह कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन फेज। डिप्लॉयमेंट आपके पास मतलब क्या होता है डिप्लॉयमेंट का, कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, आपने कोड कर लिया, अब आपने उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए आपने उस सॉफ्टवेयर को बनाया है, आपने उसको वहाँ पे उसको जो है वो अप्लाई करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करके आपको उसको यूज़ करने के काबिल बनाना है अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए, तो इस चीज़ को हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ डेट आर यूज टू मेक द सॉफ्टवेयर सिस्टम अवेलेबल फॉर यूज़, यानी कि आपने अपने सिस्टम को जो आपने बनाया है उसको अवेलेबल करना है यूज़ करने के लिए। द डिप्लॉयमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे आपके पास दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर के अंदर कि डिप्लॉयमेंट क्या होती है और इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, दोनों का आपके पास सेम मतलब है। मेन एक्टिविटीज़ हमारे पास क्या होती हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी हार्डवेयर जो है वो हम लोगों ने बनाया उसको जाके वहाँ पे इंस्टॉल करना, मेन एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखते हैं। मेन एक्टिविटीज़ डेट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन फेजेस आर इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इन सम केसेस द यूज़र एंड द कंप्यूटर्स ऑपरेशन पर्सनल आर ट्रेन्ड ऑन द डेवलप्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, कन्वर्सेशन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू वन इज कॉल्ड कन्वर्जन। तीन फेजेस हैं आपके पास बेसिकली। इंस्टॉलेशन, आपने वहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है, फिर आप लोगों ने वहाँ पे जो आपके पास स्टार्टिंग पर्सनल्स होंगे जिन्होंने उस सिस्टम को यूज़ करना है तो उसको आप लोगों ने ट्रेन करना है, देन आपने कन्वर्जन करनी है ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में। तो ये कन्वर्जन करने के भी आगे आपके पास चार जो हैं वो मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कि किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं, उसको आगे देखते हैं। पहले इन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने वहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है, अपना जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया तो डिप्लॉयमेंट फेज जब आता है उस सॉफ्टवेयर को फिर हमने वहाँ पर जाकर इंस्टॉल करना है, हार्डवेयर को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद अब वहाँ पर आपने जो उनके मैनेजर होंगे या जो मेन बंदे होंगे उनको आपने उसको ट्रेन करना है कि आप इस सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप उनके चंद लोगों को जो है वो ट्रेन करेंगे कि ये उसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं, फिर आगे वो अपने लोगों को ट्रेन करेंगे कि आपने उसको किस तरह यूज़ करना है। देन हमने उसको जो है वो कन्वर्जन करनी है, कन्वर्ट करना है पुराने सिस्टम को नए सिस्टम के साथ रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो यहाँ पर टेक्निक्स जो हैं वो हम फॉलो करते हैं, वो हमारे पास ये फोर टेक्निक्स हैं। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है आपके पास, आपके पास पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन होती है, आपके पास फेजेस में इम्प्लीमेंटेशन होती है, या फिर आप उसको या फिर हम उसको पायलट में फेज में उसको जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं।
अब ये आपके पास डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है? डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि आपने उसको डायरेक्टली सारे के सारे को आपने चेंज कर देना है, ओल्ड सिस्टम को नए सिस्टम के साथ, यानी कि आपने ओल्ड सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर देना है पहले ही दिन ही, और आपने वहाँ पे नया जो सिस्टम है उस नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देना है, आपने अपने कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर बनाया उसके साथ उसको जो है वो आपने रिप्लेस कर देना है। दिस मेथड इन्वॉल्व द ओल्ड सिस्टम बींग कम्प्लीटली ड्रॉप्ड एंड द न्यू सिस्टम बींग कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड एट द सेम टाइम। द ओल्ड सिस्टम इज नो लॉन्गर अवेलेबल। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की चाहती है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आपके लोग जो नए हैं, यूज़र जो हैं, वो इतने अच्छे ट्रेन नहीं हैं, तो डाटा लॉस भी हो सकता है कि वो आपका पुराना सिस्टम चेंज करके बिल्कुल आप न्यू सिस्टम लेके आए हैं, अब इनको सही तरीके से यूज़ नहीं करना आ रहा न्यू सिस्टम, फिर कुछ आपका डाटा ओल्ड सिस्टम में पड़ा हुआ है तो वो सारे का सारा भी न्यू सिस्टम में नहीं आया, तो समटाइम्स आपके पास ये डायरेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन होती है इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो हमें बड़ी केयरफुली ये चूज़ करना पड़ता है कि हम किस तरीके से अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें उसको डिप्लॉयमेंट करना है, अपने यूज़र्स को जो है वो देना है। तो ये डिपेंड करता है और कंडीशंस के ऊपर कि वो क्या है। अगर उनके पास ओल्ड सिस्टम है ही नहीं है कोई इतना अच्छा, जस्ट उन्होंने पकड़ के सिर्फ काम चलाया हुआ, तो हम फिर उसके लिए डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ही करेंगे कि उनका सिस्टम अच्छे से रन हो जाए। लेकिन अगर उनके पास पहले से ओल्ड सिस्टम है, जैसे आप स्कूल की एग्जांपल ले लेंगे, आप स्कूल में हैं तो आपके स्कूल में क्लेरिकल सिस्टम है, वो सारा जो है वो लेजर्स के ऊपर और सारा रजिस्टर्स के ऊपर लिखा होता है, और आप उसको चेंज करते हैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो सारा डाटा पहले ही पड़ा हुआ है, तो वो सारे का सारा डाटा इधर आएगा, फिर उन लोगों को यूज़ करना आएगा, तो फिर जो है वो उसको यूज़ करना चाहिए। अगर हम उस सारे के सारे को पहले ही ड्रॉप कर देंगे तो जो हमारे पास ट्रेंड बंदे बैठे हुए हैं अब उनको भी इस पर आते हुए टाइम लगेगा, तो ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर फिर हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं होगी। तो अगर आपके पास पुराना डाटा ही नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन मेथड यूज़ करके डायरेक्ट चेंज कर देते हैं तो वो बेस्ट होगा, तो ये हमें चूज़ करना पड़ता है। फिर हमारे पास आ जाता है पैरेलल। द पैरेलल मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स ऑपरेशन बोथ सिस्टम्स टुगेदर फॉर अ पीरियड। पैरेलल ऑपरेटिंग डिप्लॉयमेंट मेथड में क्या होता है कि दोनों सिस्टम इकट्ठे चलते हैं साथ साथ, यानी कि ओल्ड वन सिस्टम भी साथ साथ चल रहे हैं और जो आपने नया सिस्टम बनाया वो नया सिस्टम भी साथ साथ चल रहा होगा। अब जब दोनों साथ साथ चल रहे होंगे तो फिर वो पुराना भी यूज़ हो रहा होगा और नया भी यूज़ हो रहा होगा। दिस अलाउज एनी मेजर प्रॉब्लम्स विद द न्यू सिस्टम टू बी इनकाउंटर्ड एंड करेक्टेड विदाउट द लॉस ऑफ डाटा। यानी कि अगर आपने नया सिस्टम बनाया तो उसमें कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एंट्री करते हुए प्रॉब्लम आ रही है, या कोई कुछ मिसिंग था जो आपके ओल्ड सिस्टम से आपने उसको डिजिटल कर दिया, तो उसमें आपका डाटा लॉस नहीं होगा क्योंकि दोनों सिस्टम साथ साथ चल रहे हैं, वहाँ पे भी वर्किंग हो रही है और इस सिस्टम पे भी वर्किंग हो रही है, दोनों को आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो इकट्ठा यूज़ कर रहे हैं, वो नए जो सिस्टम आपने बनाया उसको ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और जो पिछला सिस्टम है उसको साथ साथ उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि आपका डाटा जो है वो उनका लॉस ना हो। तो ये पैरेलल में है कि पैरेलल मेथड में आपके पास दोनों सिस्टम्स इकट्ठे चलते हैं, जब दोनों इकट्ठे चलेंगे तो आपके पास डाटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देन हमारे पास फेज कंडीशन है। द फेज मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम एन ओल्ड सिस्टम टू अ न्यू सिस्टम इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिस्टम। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन आपके पास क्या होता है कि आप उसके पीसीज कर लेते हैं, आपने नया सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करना है तो आप उसको थोड़े थोड़े हिस्सों में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अब आपका स्कूल का ही जो सिस्टम है उस सारे को आपने डिजिटल करना है, आपके जो क्लरिकल स्टाफ है उसका सारा ये जो सिस्टम है ये फीसिस कलेक्ट करना है, ये सारा आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो अब आप क्या करते हैं, उसको बारी बारी करते हैं। सपोज डैट आपके पास एक बंदा फी कलेक्ट करने वाला बैठा है, एक आपको रसीट बना के दे रहा है और एक बंदा जो है वो अपने पास रिकॉर्ड रख रहा है कि किसकी जमा हो गई और किसकी नहीं है, तो हम एक एक बंदा करके चेंज करेंगे। यानी कि अगले दो बंदे जो हैं वो पुराने सिस्टम पे वर्किंग करेंगे, जो आपको वाउचर फी वाउचर दे रहा है उसका हमने कंप्यूटराइज कर दिया, अपना सिस्टम जो है वो डिजिटल जो कर दिया उसको बना दिया,
अब वो एक बंदा सिर्फ आपने उसको नए सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया, बाकी जो दो थे वो भी पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं। तो इस तरह भी आपके जो एरर है वो इजीली ख़त्म हो सकते हैं, डाटा लॉस नहीं हो सकता। साथ साथ लोग ट्रेन करते जाते हैं और साथ साथ जो है वो हमारी सॉफ्टवेयर को नए को इम्प्लीमेंट करते हैं ग्रेजुअली, नहीं कि पहले एक बंदे को दिया उसने देखा कि सही काम करना शुरू कर दिया है तो फिर दूसरे वाले बंदे को भी साथ में दे दिया। अब दो लोग नए सिस्टम पे आ गए, एक जो है वो पुराने सिस्टम पर आ गए, और आहिस्ता आहिस्ता तीनों को हम नए सिस्टम पे ले आएंगे और पुराना सिस्टम टोटली जो है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ ये आपके पास फेजेस था, फेज में आपके पास फेजेस मेथड में हम फेजेस बनाते हैं, उसके पार्ट्स बनाते हैं और पार्ट्स बना के उसको जो है वो आगे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। देन वी हैव पायलट। पायलट मेथड में क्या होता है, न्यू सिस्टम इज इंस्टॉल्ड फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स, यानी कि ये जो पायलट में हम क्या करते हैं, पायलट में भी हम स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स के लिए जो है वो इंस्टॉल कर देते हैं। फेजेस में पूरे सिस्टम को ग्रेजुअली हम लेके आ रहे होते हैं, यानी कि उसको हमने एक शॉर्ट टाइम पीरियड रखा होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद हमने सिर्फ एक फेज़ को लेके आना है, फिर इसके बाद हम एक अगले फेज़ को लेके आएंगे। पायलट में क्या होता है कि हम पूरे का पूरा सिस्टम ही इंस्टॉल कर देते हैं लेकिन उसके यूज़र्स क्या करते हैं, हम कम कर देते हैं, यानी कि सिर्फ चंद लोग उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगी, लेकिन वो जो चंद लोग हैं वो सारे का सारा काम उसके ऊपर कर सकते हैं। अब पायलट में क्या होगा कि जब चंद जो यूज़र्स हैं उसको स्मॉल नंबर ऑफ यूज़र्स जो हैं वो उसको सिस्टम को अच्छे से जब समझ जाएंगे तो फिर वो जो हैं वो अपने बाकी वाले जो यूज़र्स हैं उनको बाकी जो कलीग्स हैं उनको अच्छे से उसको गाइड कर सकने के काबिल हो जाएंगे, तो फिर हम सारे के ऊपर वो जो है वो न्यू सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। विद द पायलट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन द न्यू सिस्टम इज इंस्टॉल्ड फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स, दीज यूजर्स लर्न यूज़ एंड इवेलुएट द न्यू सिस्टम, वंस द न्यू सिस्टम इज डीम्ड टू बी परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्टोरीली देन द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड एंड यूज बाई ऑल, यानी कि वो चंद लोग अगर उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना शुरू कर दें तो फिर जो है वो बाकी सबके लिए भी आप उसको इंस्टॉल कर देंगे और वो उनको ट्रेनिंग कर देंगे। नीचे डायग्राम देखें, उसने बना के आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। डायरेक्ट कट ओवर में क्या होता है कि ओल्ड सिस्टम, ये पहले ओल्ड सिस्टम आपके पास ये ओल्ड सिस्टम चल रहा था, यहाँ पे आके आपने क्या किया, इस ओल्ड सिस्टम को टोटली ख़त्म किया और यहाँ से आपके पास न्यू सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया। पैरेलल में क्या होता है कि ओल्ड सिस्टम देखिए आपके पास चल रहा था, इसके साथ साथ आपने न्यू सिस्टम को भी लॉन्च किया और न्यू सिस्टम को भी साथ साथ चलाना शुरू कर दिया। अब ये जो है आहिस्ता आहिस्ता इस ओल्ड को हम ख़त्म, ये ख़त्म हो जाएगा आपके पास और टोटल जो है वो न्यू के ऊपर आ जाएगा जब ये सारे उसको सीख लेंगे, दोनों तब तक साथ साथ चलते रहेंगे। इधर तक दोनों साथ साथ चले, यहाँ पे आकर टोटली लोग जो है वो न्यू को समझने लग पड़े थे, यहाँ पे न्यू पे आ गए। पायलट में क्या होगा कि आपने स्मॉल यूज, ये ओल्ड सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम देखें बाकी सब के लिए चल रहा है, एक चंद यूज़र्स के लिए आपने क्या किया, उसको ओल्ड सिस्टम को ख़त्म करके न्यू सिस्टम दे दिया। अब जब ये वाले सारे उसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो ये बाकी वालों को समझा सकेंगे, तो हम इस सारे को ओल्ड सिस्टम को ख़त्म करके टोटली न्यू सिस्टम पे ले आएंगे। फेज में क्या होता है, यहाँ पे आप देखें कि छोटे छोटे फेजेस, स्मॉल स्मॉल फेजेस बने हुए हैं कि पहले एक फेज़ पे वर्किंग हो गई, फिर सेकेंड फेज़ पे वर्किंग हुई, फिर थर्ड फेज़ पे वर्किंग हुई, और इस तरह आपके पास ये टोटल ओल्ड से न्यू सिस्टम तीन स्टेप्स में आपके पास आ गया। तो ये आपके पास चंद एग्जाम्पल थी, ये डायग्राम के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि ये तीनों चारों के अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंस क्या है। देन वी हैव मेंटेनेंस और सपोर्ट फेज। मेंटेनेंस और सपोर्ट फेज जो है ये आपका साथ साथ चलता रहता है, ये सारे का सारा प्रोसेस आपका रिपीट करता है। एसटीएलसी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी भी सिस्टम को सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो आपको उसको सपोर्ट करते रहना रहना होता है, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर में किसी कंपनी को आपने बना के दिया है, आपके पास कोई क्लाइंट है तो उनके सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम बाद में भी आ सकती है, तो उसको आपने सपोर्ट देनी होती है, मेंटेनेंस करना होता है, उसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो सारा आपके पास मेंटेनेंस के अंदर आता है। द सिस्टम मेंटेनेंस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, कि ये ना ख़त्म होने वाला आपके पास जारी रहने वाला प्रोसेस है। द सिस्टम इज़ मॉनिटर्ड कॉन्टिन्यूली फॉर परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द यूज़र रिक्वायरमेंट्स एंड नीडेड सिस्टम मॉडिफिकेशन आर इनकॉर्पोरेटेड। सबसे बड़ी एग्जाम्पल इस चीज़ की आपके पास आपके गेम्स वगैरह हैं या आपके सॉफ्टवेयर हैं जिनकी अपडेट्स आती रहती हैं। आप पबजी एक बहुत फेमस गेम है, उसकी
अपडेट्स जो हैं वो आपके पास आती रहती हैं, तो वो कॉन्टीन्यूसली अपने उस सॉफ्टवेयर को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और जब मॉनिटर करते हैं उनको लगता है कि हमने इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करनी है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, ग्लिच आ गया, तो उसको ठीक करना, तो वो क्या करते हैं उसकी मेंटेनेंस करते हैं, और मेंटेनेंस से वो दोबारा से ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो रिपीट करते हैं। मैन मॉडिफिकेशंस आर आइडेंटिफाइड द सिस्टम में री एंटर द प्लानिंग फेज। देखें जैसे ही मॉडिफिकेशन आपको चाहिए तो आप ये इसको वापस फर्स्ट फेज़ पे ले जाएंगे, प्लानिंग फेज़ पे ले जाएंगे, और प्लानिंग फेज़ से दोबारा से ये आपके पास सारा स्टार्ट होगा, कि प्लानिंग के बाद हम उसको आगे उस फर्दर उसको देखते जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल अ कंप्लीट सोल्यूशन इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका सोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। मेंटेनेंस कैन बी आइदर बी रिपेयरिंग और मॉडिफिकेशन और सम इन्हेंसमेंट इन दी एग्जिस्टिंग सिस्टम, वो उसको रिपेयर करना अगर वो भी हो सकता है मेंटेनेंस में, मॉडिफिकेशन करना वो भी हो सकता है, कुछ नया ऐड करना है वो भी आपके पास मेंटेनेंस फेज के अंदर ही आएगा, और ये दोबारा से फर्स्ट फेज से स्टार्ट होगा और फिर ये एंड तक आएगा, इम्प्लीमेंट फेज तक आएगा। यहाँ पे हमारे फेजेस के ये जो SDLC के फेजेस हैं वो ख़त्म हुए, आपके पास 10 फेजेस थे, सबको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो जो पर्सनल्स इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनल मीन्स के जो जो यूज़र्स या जो लोग इन्वॉल्व होते हैं SDLC में, उनका रोल क्या होते हैं और वो किस तरह वर्किंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।